राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ धनतेरस पर घर में ले आए इनमें से कोई एक चीज, कभी नहीं होगी धन की कमी। बंधुओं, धनतेरस का पर्व कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है जो मनुष्य भी इस दिन खरीदारी करते हैं उनके यहाँ धन समृद्धि बढ़ती चली जाती है। धनतेरस पर कुबेर देव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। तभी से धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा भी चली आ रही है। बंधुओं, अब मैं आपको बताऊंगी धनतेरस पर कौन सी चीजें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। बंधुओं, दीपक के बिना दिवाली संभव नहीं। धनतेरस पर ढेर सारे छोटे छोटे दीपक खरीदें। मिट्टी के तीन बड़े दीपक भी जरूर खरीदें। इन्हीं के प्रयोग से दिवाली की पूजा होगी। एक बड़ा मुख्य दीपक होगा जो माँ लक्ष्मी को समर्पित होगा। दूसरा बड़ा सरसों के तेल का दीपक माँ काली के लिए होगा, जबकि तीसरा दीपक तिरछा करके सरसों के तेल वाले दीपक के ऊपर रखा जाएगा ताकि उसमें रात भर काजल बन सके। बंधुओं, दिवाली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है। धन के लिए माँ लक्ष्मी और बुद्धि के लिए भगवान गणेश की उपासना की जाती है। धनतेरस के दिन ही इनकी मूर्तियाँ खरीद लें। लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ खरीदते वक्त कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। भगवान गणेश की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए। लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर बैठी हों और उनके हाथों से धन गिर रहा हो। मूर्तियाँ बहुत बड़ी ना हो और मिट्टी की बनी हुई हों। बंधुओं, गोमती चक्र एक विशेष प्रकार का पत्थर है जिसके एक तरफ चक्र की तरह आकृति बनी होती है। यह कई रंगों का होता है। इसमें सफेद रंग का गोमती चक्र सबसे महत्वपूर्ण है। यह रतन की तरह अंगूठी में भी पहना जाता है। धनतेरस के दिन कम से कम 5 गोमती चक्र खरीदें। दिवाली के दिन गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को अर्पित किए जाएं और फिर इसके बाद उन्हें धन के स्थान पर रख लें। कौड़ी एक समुद्री जीव का खोल है। धन प्राप्ति के लिए धन के रूप में इसका प्रयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है। धनतेरस के दिन कम से कम 5 कौड़ी जरूर खरीदें। दिवाली के दिन इन कौड़ियों से विशेष पूजा करें। इससे अविवाहितों का विवाह होगा और कर्ज की समस्या से मुक्ति भी मिलेगी। बंधुओं, धनतेरस के दिन चांदी को समृद्धि की धातु माना जाता है। कहा जाता है कि चांदी भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुई है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है। इसी चांदी की वस्तु से दिवाली का पूजन किया जाता है। जो भी चांदी की वस्तु दिवाली पर खरीदी जाती है उसे वर्ष भर सहेज कर रखा जाता है। बंधुओं, झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर 2 झाड़ू जरूर खरीदें। इनका प्रयोग दिवाली की पूजा के बाद अगले दिन से शुरू करें। पुरानी झाड़ू को दिवाली के अगले दिन घर से बाहर कर दें। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से वर्ष भर स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। घर से पुरानी झाड़ू निकाल देने से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी। बंधुओं, धनतेरस के शुभ अवसर पर किसी भी धातु का बर्तन जरूर खरीदें। यदि पानी का बर्तन हो तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप सोने चांदी के आभूषण नहीं खरीद सकते तो कोई बर्तन खरीद लें। धनतेरस पर 1 चम्मच खरीदना भी फलदायी माना जाता है, लेकिन इस चम्मच को अपनी बरकत समझकर नियमित तौर पर पूजा में शामिल करें। इससे आपकी समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। बंधुओं, धनतेरस के दिन
धनिये के बीज खरीदने की बहुत परंपरा है। धनतेरस पर धनिया खरीदना शुभ माना जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक बताया गया है। लक्ष्मी पूजा के समय धनिया के बीज लक्ष्मी माँ को चढ़ाए जाते हैं और पूजा के बाद किसी बर्तन या बगीचे में धनिया के बीज बो दें। कुछ बीज गोमती चक्र के साथ अपनी तिजोरी में रख दें। बंधुओं, धनतेरस के दिन विवाहित महिलाओं को 16 श्रृंगार का तोहफा देना शुभ माना जाता है। इसके अलावा लाल रंग की साड़ी और सिंदूर देना भी अच्छा माना जाता है। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। धनतेरस के दिन खील पताशे की खरीदारी करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इन खील पताशे का प्रयोग दिवाली के दिन पूजा में किया जाता है। बंधुओं, यदि आप धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदते हैं तो देखना कैसे पूरा साल आपके घर में धन समृद्धि बढ़ता चला जाएगा। आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बंधुओं, धन की कमी बहुत ही चिंताजनक विषय है, इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपको भी धन प्राप्ति हो, आपको जिंदगी में धन की कमी ना हो, तो आप धनतेरस के दिन इन वस्तुओं को अवश्य खरीदें।